शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। कैसी है तू? और रसाल, तू रो काहे रहे थे? यूं ही यो कैसे हो गया? यो भगवान के फैसले के खिलाफ जाने की सजा है। रसाल से जुदा होने का दुख मारे से सहन ना हुआ, अपनी जान देना चाहता था, खत्म कर देना चाहता था अपने आप ने। रसाल के बिना जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इसलिए मरने बॉर्डर चलो गयो, पर मरोना लड़ते लड़ते मारे पैर में गोली लग गई पर मैं घायल हो गया, इसीलिए अब ठाकुर बलदेव सिंह के ऑफिस में जमींदारी का काम संभालूंगा। आज तबीयत थोड़ी ठीक ना है, इसलिए डॉक्टर से मिलने आए हो। पर तू आटे कहाँ आए हैं? ठाकुर साहब वास्ते। मारी रसाल खुश तो है ना? तो आप भी प्रेम करे है रसाल से? वो तो हमेशा कर तो रहूंगा। कई बार मन क्यों कि एक बार, बस एक बार मारी रसाल ने मिलू, उसे जी भर के देखूं, पर मैंने अपने आप रो रोक लियो। अब तो रसाल की यादें ही मारो सारो है, पर मारे कारण रसाल ने कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, ये मन ने मंजूर ना है। रुक्मी, तुमने आरटीएम मिली थी ये बात रसाल ने मत कहना। अब तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ याद बनकर रह गए, और रसाल की याद मारी जिंदगी है, और मैं ना चाहूं कि मारे कारण रसाल ने कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। तने इतनी चिंता है रसाल की? हमारे पास रसाल के सिवा है ही क्या? रसाल हमारे पास ना होते हुए भी हमेशा हमारे पास रहेगी। मिस्टर विक्रम, डॉक्टर आपको अंदर बुलाए। चलो। कौन था रुक्मी? विक्रम, रसाल का पहला प्यार। Thank you.
पानी पी लो। आज विक्रम से मिलने के बाद मैंने ये एहसास हो रहे हैं कि विक्रम रसाल से कितना प्रेम करता था और आज भी कितना प्रेम करता है। जाने काना दाने दोनों के प्रेम को इतनी परीक्षा कही थी। रसाल विक्रम के साथ घनी खुश रह सकती थी ठाकुर साहब, पर हमारी मां को तो रसाल को इस हवेली की रानी बनाना था, आठे राज करवाना था। आज मैंने अपनी मां पर घना गुस्सा आ रहे हो ठाकुर साहब। पता नहीं तुम उस औरत को कैसे बर्दाश्त करती हो, मेरा तो उसे देखते ही खून खोल जाता है। अगर वो तुम्हारी मां ना होती ना रुक्मी, तो इस हवेली में कदम नहीं रखने देता। गांव में मां भी विक्रम से जरूर मिली हो विकी, उस बेचारे का जीवन बर्बाद करके न जाने मां उससे नजरे कैसे मिला पा रही होगी। उस बेचारे की हालत देखकर मैंने ऐसा लगा कि मैं समय की सुइयां वापस घुमाऊं और दोनों का प्रेम उन्हें वापस लौटा दूं, ब्याह करा दूं मैं दोनों का। रुक्मी, इतना मत सोचो रुक्मी। अगर ये सारी बातें इंसान के हाथ में होती तो फिर कोई भगवान की शरण में क्यों जाता। दादी सा, आपने बुलाया मुझे, बैठ। जब से तू घर वापस आयो है तने मन भर कर देखियो भी ना है। तू खुश तो है ना बेटा? हाँ दादी सा। और फिर रुक्मी अपने प्यार से मेरे जीवन में हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही। और तू? मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे खुश रखने की। ये याद रखना रणवीर, सिर्फ रुक्मी ही ना, रसाल भी थारी बिंदड़ी है और उसके जीवन में घनी कमी है। खैर, थारी दोनों बिंदड़ियों वास्ते। ये किस लिए दादी सर? हर त्योहार में घर की बिंदड़ियों को सोना देने का हवेली को रिवाज है। दादी ने कहा होली पर दे नहीं पाई, अब तुम दोनों को देने को कहा है। कैसा है? दादी साने खास बनवाए। अब जल्दी से कोई एक पसंद कर लो ताकि दूसरा मैं रसाल को दे दूं। ना, आप पहले ये दोनों रसाल को दिखा दो, पहले वो पसंद कर ले, बचा हुआ मैं रख लूंगी। ये दादी साने दिए हैं मेरी दोनों बिंदनियों के लिए। हवेली का रिवाज है हर त्योहार पर हवेली की बिंदनी। जानो ठाकुर साहब, मैं ना भूली हूं। इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम रख लो, दूसरा मैं रुक्मी को दे दूंगा। लो। मारे को तो आप ही की पसंद की आदत थी, अपनी पसंद तो कब की बुला दी थी मैंने। देख लो जो ठीक लगे रख लो। मारे को ना चाहिए ठाकुर साहब, पर आप हमारे वास्ते अट्ठे तक आए इसी में मैं खुश हूं।
ये रिवाज है रसा। हाँ पर ये रिवाज हवेली की बींदड़ी हो वास्ते, और बींदड़ी सिर्फ वही होवे है जिसको बींद उससे प्रेम करे। मैं तो सिर्फ नाम वास्ते, आपको जिम्मेदारी वास्ते ये रिवाज निभाने की जरूरत ना। मैंने हालात से समझो तो कर ली हुआ ठाकुर साहब, हमारे को खुशी देने वास्ते आपको ये सब करने की जरूरत है। हमारी खुशी हमारे बींद के प्रेम में थी, उनके दिए हुए गहनों में ना थी। फिर भी अगर तुम ये रख लेती तो मुझे खुशी होती। जब आपको खुशी होगी तो बेमन से ही सही, पर मैं रख लेती हूँ क्योंकि आज भी आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपके बीन हमारे पास आए थे, हरे को ये देने। आप प्रवीण ऐसा कहीं बोल रही है तू? वो तारे कुछ ना है, हारा हाथे कोई ना है, एकली हूं मैं। उस समय ठाकुर साहब को मन रखने वास्ते मैंने ये रख लिया था, वही लौटाने आई हूं। काई ये तो थारो है रसाल, थारो बीन नहीं होने को अधिकार। वो अधिकार आप ही ने छीन लियो है मारे से। जब आपके कारण मारा बींद मारे को प्रेम ना दे सके तो उनकी दी हुई ये बेजान चीज मारे किस काम की? पर रसाल ठाकुर साहब ने खुद तने ये दियो है क्योंकि तू भी उनकी बींदनी है। ठाकुर साहब हमारे पास अपने पैरों से चलकर आए जरूर थे, पर मैं जानू कि उन्होंने ये आपके कहने पर किया था। चले पर नमक छिड़कने की आदत जो है आपकी, इतनी नफरत करे तुम्हारे से, इतना जहर भरा है थारे मन में मारे खिलाफ। इस जहर को बीज आप ही ने बोए हुए, आपके कारण मैंने विक्रम को प्रेम तज दियो, आपके कारण मैंने ठाकुर साहब को प्रेम अपना लियो, पर आपने आपने क्या कियो? आपने तो मारो सब कुछ छेड़ लियो, अरे यहां तक कि बापू भी मारे ना रहे। और अब ठाकुर साहब को पूरा परिवार आपके साथ है, मारे जीवन की सच्ची खुशियां छेड़कर सोने की झूठी चमक देना चाहोगा? दान ना चाहिए मारे को और भीख मैं लेती ना, समझी आप? तो सही क्यों हो? आज अस्पताल में मैं विक्रम से मिली।
अच्छे रसाल का ब्याह विक्रम से हो गया होता तो आज रसाल घनी खुश होती। आज मैंने पहली बार यह एहसास हो रहा है कि भगवान किसी को भी सौतेली मां नसीब बनाते। मां ने हमेशा मारे से नफरत की और इसी वास्ते मारे को सौतेली बनाए रखा और अनजाने में अपनी सगी बेटी को ही जीवन बर्बाद कर दिया। आज विक्रम से मिलकर मैंने यह एहसास हुआ कि जे रसाल का ब्याह विक्रम से हो जाता तो आज रसाल को अपने ही बीन से प्रेम की भीख ना मांगनी पड़ती, क्योंकि विक्रम रसाल से घना प्रेम करता था बाबू, और वो आज भी रसाल से प्रेम करे। इसी वास्ते विक्रम ने आज तक ब्याह ना किया। वो बेचारा आज भी रसाल का इंतजार करे। धीरे बोल। अगर किसी ने विक्रम का नाम सुन लिया तो गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। अरे रसाल को जीणो दुभर हो जावेगो। विक्रम अब रसाल के जीवन का अतीत है, रसाल के लिए पराय हो गए हुए। रसाल पर बद चलनी को लांछन लाग जावेगो। वास्ते अपने दिलो दिमाग में परेशान ना कर, भारे में इंतजार करने की घड़ी क्षमता है। मैं उस दिन को इंतजार करूंगी जब आप जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है। वो बेचारी तो समय के पाटों के बीच पिस रही है, आज भी और उस समय मैं आपने बनने त्याग दिया था, उस समय इस हवेली की इज्जत और अपने बापों की पगड़ी का मान बचाने वास्ते उसने अपने प्रेम का बलिदान दिया। कौन था यह? विक्रम, साल का पहला ब्याह। उस बेचारे की हालत देखकर उन्हें ऐसा लगा ऐसा मैं कि सुइया वापस घुमाऊं और दोनों का प्रेम उन्हें वापस लौट ठाकुर साहब। मैं समय की सुइयों को मोड़ दूंगा रुक्मी, अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। रसाल से शादी करके जो मैंने गलती की है उसे सुधारने का अब यही एक रास्ता है। मैं रसाल और विक्रम की शादी करवाऊंगा।